हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इट्स स्कूल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने वीपीएन के बारे में तो सुना ही होगा, तो हमारी आज की वीडियो वीपीएन के ऊपर ही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि वीपीएन को यूज़ क्यों करें और वीपीएन को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमारी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि वीपीएन यूज़ क्यों करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं अपने वेब ब्राउज़र पर एक वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है djpunjab.com। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को बैन कर रखा है, इसलिए हमारा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक VPN बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर पहले से ही मैंने अपने लैपटॉप में एक VPN को इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है हॉटस्पॉट शील्ड। इस VPN का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। VPN को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी जिस पर लिखा होगा क्लिक द बटन टू स्टार्ट द कनेक्शन। आपको सिंपली बटन पे क्लिक कर देना है जिसके बाद आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा VPN सक्सेसफुली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। तो चलिए VPN को कनेक्ट करने के बाद फिर से इस वेब पेज को रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पर आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने VPN को कनेक्ट करके इस वेबसाइट को ओपन किया तो ये वेबसाइट आसानी से ओपन होगी जो कि इंडिया में बैन है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि VPN को यूज़ क्यों करते हैं। VPN की हेल्प के साथ आप कोई भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी टोरेंट वेबसाइट और पोर्न वेबसाइट्स। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।